अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हाउ आर यू नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर विंटर नोट्स। आज हमने करनी है स्टोरी वाइज, अच्छे से लर्न करनी है और इसे राइट भी करनी है, ठीक है। स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज एन ओल्ड मैन हु हैड फोर सन्स, एक बूढ़ा आदमी था, उसके चार बेटे थे। द सन्स ऑलवेज क्वारल, क्वारल होता है लड़ना झगड़ना। विद ईच अदर, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो टू टीच देम अ लेसन, उन्हें सबक सिखाने के लिए, ही कॉल्ड देम इन हिज रूम, उन्हें उन अपने बेटों को ओल्ड मैन ने अपने रूम में बुलाया। ही गेव ईच वन अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू टू, उसने हर एक बेटे को एक स्टिक दी और कहा कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। द बॉयज ट्राइड हार्ड, बेटों ने बहुत कोशिश की लड़कों ने, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। ही देन टोल्ड देम, फिर उसने उन्हें कहा टू टेक आउट वन स्टिक, पहले उन्हें बंडल दिया नहीं टूटा उनसे, तो उसने ओल्ड मैन ने कहा टेक आउट वन स्टिक, एक स्टिक निकालो एंड ट्राई टू ब्रेक इट, और इसे तोड़ने की कोशिश करो। ऑल फोर ऑफ देम ब्रोक देयर स्टिक्स, चारों लड़कों ने उसे अच्छे से तोड़ लिया। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा माई सन्स, प्यारे बेटो, लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, इस बात से सबक सीखो। द बॉयज फेल्ट अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर, उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए वो सब। एंड नेवर फॉट अगेन, और दोबारा कभी नहीं लड़े। मॉरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। क्योंकि जब एक साथ स्टिक वाली बंडल, स्टिक का बंडल था, उसे तोड़ना मुश्किल था। अगर वो मिलजुल कर रहते, उन्हें यही लेसन दे रहा था ना ओल्ड मैन, कि अगर तुम लोग मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, लेकिन अगर लड़ते झगड़ते रहोगे, अलहदा अलहदा हो जाओगे, तो हर कोई आसानी से तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। बेटा ये अच्छे से लर्न करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।